नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। अपने मोबाइल के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए इरशाद, क्योंकि अभी आप सबके लिए पेशे खिदमत है एक बहुत खूबसूरत शेर। अर्ज किया है कि दिल जलाने का ये ढंग भी खूब है, दिल जलाने को तुमने ये क्या लिख दिया, खत तो लिखा किसी गैर के नाम का पर लिफाफे पे मेरा पता लिख दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिकोडेड का नया एपिसोड। अभी आपने जो शेर सुना वो मशहूर गायक साबरी ब्रदर्स के एक गज़ल से लिया गया है। एक वक्त था जब अपने संदेश को हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। इंसान और उसके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, इसका सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है। शुरुआत में जब भाषा नहीं बनी थी तो लोग अपने हाव भाव से, केव पेंटिंग से, अलग अलग तरह की आवाज़ों के द्वारा अपनी बात को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया करते थे। फिर उन्होंने थोड़ा लिखना और बोलना सीखा, जिसके साक्ष्य हमें हड़प्पा, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में भी दिखता है। फिर बात करें प्राचीन इतिहास की, तो कुछ सभ्यताएं जैसे पर्शियन, रोमन, चाइनीज, इन सभी सभ्यताओं के द्वारा एंशियंट डाक व्यवस्था को बना लिया गया था। मगर इस संदेश के संचार में जो गति आती है वो तीन महत्वपूर्ण खोजों से आती है। पहली जे. गुटेनबर्ग के द्वारा जब प्रिंटिंग प्रेस को बना लिया गया था, दूसरी जब 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ लाइन और मोर्स कोड को विकसित कर लिया गया था, और तीसरी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे कि सैटेलाइट और इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करना। अब यूं तो हम मैसेजेस को जनरली दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया पब्लिक मैसेज, जैसे कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है और आप इसके बारे में पूरे मोहल्ले में धूमधाम से सबको बता रहे हैं। वहीं दूसरा हो गया प्राइवेट मैसेजेस, जैसे कि वो कोई लॉटरी नहीं था, एक स्कैम था और आपके बैंक अकाउंट से किसी तरह के कोई पैसे को निकाल लिया गया है और इसके बारे में आप किसी को बता नहीं रहे हैं। खैर, ये तो हो गई मजाक की बात। पब्लिक मैसेजेस का मतलब समझें तो जैसे कि राजा का प्रजा के नाम कोई संदेश, अपने अशोक के शिलालेख के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है, सरकार लोगों के द्वारा कोई स्कीम्स, कोई पॉलिसी के बारे में बता रही है। तो ये जो होते हैं वो पब्लिक मैसेजेस होते हैं, जिससे आपके प्राइवेसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है प्राइवेट मैसेजेस, जैसे आप अपने सगे संबंधी से शेयर कर रहे हैं, है ना। सरकारों और एजेंसियों के द्वारा कोई भी गुप्त जानकारी जो अगर बाहर आती है तो दिक्कत हो सकती है, इन सभी को हम प्राइवेट मैसेजेस के कैटेगरी में रखते हैं। अगर ये बाहर आते हैं तो हमारी निजता पे थोड़ा असर पड़ सकता है। अब प्राइवेट मैसेजेस हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मैसेजेस को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए अभी हम बहुत सारे ऐप्स का प्रयोग करते हैं। आप कौन से ऐप्स का प्रयोग करते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हाँ, अगर आप टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं तो KD Live का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इन्हीं ऐप्स में से एक ऐप है WhatsApp, जिसके बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। सुना क्या होगा, आप इसका प्रयोग भी ज़रूर करते हैं। तो चलिए आज इसी WhatsApp ऐप के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। वर्ष 2009 में याहू कंपनी के 2 पूर्व कर्मचारी, जिनका नाम है जैन कुमाओं और ब्रैन एक्टन, ने इसकी स्थापना की थी। कुमाओं चूँकि यूक्रेन से थे तो उन्हें बार बार उनके कॉल के मिस्ड हो जाने की प्रॉब्लम सताती थी, और इसी एक दिक्कत को देखकर उन्होंने WhatsApp में स्टेटस अपडेट जैसे फीचर को इंट्रोड्यूस किया। इस अपडेट के द्वारा आप बता सकते थे कि आप तत्काल किस जगह पे हैं, जिम में हैं, हॉस्पिटल में हैं और ये क्या कर रहे हैं। ये वही स्टेटस अपडेट वाला फीचर है जिसका आप कोई कोट, संदेश या पोएट्री लगाते हैं, वो दरअसल आपके वर्तमान स्थिति को बताने के लिए थी। फिर देखते ही देखते दोनों फाउंडर्स को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि WhatsApp की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है और इसे एक आसान, सस्ता और सभी के लिए यूज करने लायक मैसेजिंग ऐप के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जो कि रियल टाइम में आपको मैसेजेस भेजने में हेल्प करेगा। आप कहीं भी हों, लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तक जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो शुरुआती समय में WhatsApp को कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी और कंपनीज के द्वारा भी इनको फंडिंग नहीं मिल रही थी। वर्ष 2009 में फेसबुक ने भी WhatsApp को फंडिंग देने से मना कर दिया था, क्योंकि WhatsApp अभी तक एक फ्री मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था और फेसबुक को इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ पैसे कमाने थे। लेकिन फिर भी फाउंडर्स ने हार नहीं माना और अपने शर्तों पे अड़े रहे और उन्होंने इस ऐप को फ्री ही रखा। फिर जानते हैं क्या हुआ, फिर आता है वर्ष 2014, यानी ठीक 5 साल के बाद फेसबुक ने उसी WhatsApp को $19 बिलियन में एक्वायर किया था, जिसे टेक इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा एक्विजिशन माना गया था। WhatsApp यूज़ करना आसान है, ये फ्री भी है और इसमें वीडियो, ऑडियो कॉल जैसे इंपॉर्टेंट सुविधाएं भी दी गई हैं। इसी कारण WhatsApp की पॉपुलैरिटी ना सिर्फ भारत में मगर विश्व में कई ज़्यादा है और विश्व भर में 2 बिलियन यानी 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं। मगर इतने फीचर्स के साथ WhatsApp के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। WhatsApp पे सबसे बड़ा आरोप इस बात का लगाया जाता है कि वो हमारी पर्सनल डेटा यानी हमारी निजी डेटा को बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साझा करती है,
और उन्हें बेचती भी है। यहाँ पे WhatsApp की जो पेरेंट कंपनी है, हम मेटा की भी बात कर रहे हैं। वर्ष 2020 में जब बॉलीवुड जगत के बहुत सारे सेलिब्रिटीज का चैट लीक हुआ था, तब इसी बात और डेटा ब्रीच को लेकर के WhatsApp सबके सामने आया था। कंपनी ने यह बताया था कि उनका प्लेटफॉर्म एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। क्या होता है ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक चिट्ठी लिखी और उसके लिखाफे पे किसी तरह का कोई ताला लगा दिया हो। अब इस ताले के केवल दो चाबियां हो सकती हैं, एक आपके पास है और दूसरा उस व्यक्ति के पास है जिसके पास आप ये चिट्ठी भेजना चाहते थे। अब यहाँ पे होगा यूं कि जिस डाकिये के माध्यम से आप ये चिट्ठी भेज रहे हैं वो इस चिट्ठी को पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का कोई चाबी नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब कोई यूज़र WhatsApp पे किसी दूसरे यूज़र को कोई मैसेज भेजता है तो WhatsApp उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उस पर एक ताला लगा देता है जिसकी चाबी या तो आपके पास है या उसके पास है जिसको आप ये मैसेज भेज रहे थे, और इसी को हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन कहते हैं। अब यही जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है वो भारत सरकार और WhatsApp के बीच की दीवार बन चुका है। आपको पता ही है कि WhatsApp पे मैसेजेस की एक फेक यूनिवर्सिटी चलाई जाती है जिसपे ना जाने कितने गलत, भड़काऊ, हिंसा से भरे हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड किया जाता है। बहुत बार हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि विश्व के बहुत सारे भागों में इन्हीं मैसेजेस के कारण लोग हिंसा का शिकार हो जाते हैं। अब भारत सरकार ने इसी फेक मैसेजेस से लड़ने के लिए नए IT रूल्स बनाए थे, जिसमें WhatsApp समेत अन्य मैसेजिंग कंपनीज को ये कहा जाता है कि जब भी उन्हें किसी ऐसे मैसेज के बारे में पता चलेगा जिससे समाज में तनाव, हिंसा आदि जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तो कंपनियों को ये बताना होगा कि ये मैसेज सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब अपने इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा। अब इस बात पे WhatsApp और भारत सरकार दोनों दिल्ली हाईकोर्ट में आमने सामने हैं। WhatsApp ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर भारत सरकार नए IT नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगी और WhatsApp पे दबाव बनाएगी कि उसे अपने इंक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा, तो WhatsApp भारत छोड़ के भी जा सकता है। तो अगर WhatsApp भारत से चला जाए तो आप क्या करेंगे? बात करें WhatsApp की भी तो भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां से वो लगभग अभी तक $1 बिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस कर चुका है। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए नियमों को WhatsApp मानता है या नहीं मानता है। वो शेर जो हमने आपको सुनाया था, खत तो लिखा किसी गैर के नाम का पर लिफाफे पे मेरा पता लिख दिया, देखना ये होगा कि क्या लिफाफे पे WhatsApp सरकार के नाम का पता लिखेगा या इस लिफाफे को खाली छोड़कर भारत से चला जाएगा। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।